आप सब लोग घरों में रहते हैं, घरों में आपके सबके यहाँ दर्पण भी होगा, शीशा होता है, शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हैं। लेकिन कौन से शीशे में आपको अपनी शक्ल जो है साफ दिखाई देगी? जो शीशा, जो दर्पण साफ होगा, जिस दर्पण में पहले से ही धूल जमी हुई है, पहले से ही मैला है, पहले से ही गंदा है, अगर आप उसके समीप जाके भी खड़े हो जाएंगे तो आपको जो है अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी। आपको क्या करना होगा? एक साफ कपड़ा लेना होगा और उस साफ कपड़े से उस दर्पण में लगी हुई जो मैल है, गंदगी है, धूल है, उस धूल को साफ करना पड़ेगा। और जब उस कपड़े से, साफ कपड़े से वो दर्पण जो है साफ हो जाएगा, तब आप देखेंगे दर्पण वही है जो दर्पण पहले था, वही दर्पण। अभी आपने दर्पण नहीं बदला, आपने क्या किया? आपने केवल उसकी गंदगी को दूर किया। और उसकी गंदगी को दूर करते ही आपको अपनी शक्ल जो है साफ उस दर्पण में दिखाई दे रही है। तो यही गुरु महाराज करते हैं। गुरु महाराज भी हम अज्ञानी जीवों के जो मन रूपी जो दर्पण है, जिसमें नाना प्रकार की गंदगी जमा हो गई है, अभिमान की, अहंकार की, माया की, मोह की, लोभ की, इस प्रकार की नाना प्रकार की जो गंदगी हमारे मन रूपी जो दर्पण पे परत दर जमा होती जाती है, तो गुरु महाराज जी अपने सत्संग के द्वारा, सत्संग रूपी वर्षा के द्वारा, उस हृदय रूपी दर्पण में जो गंदगी है उसको दूर कर देते हैं और हमारा मन रूपी जो दर्पण होता है स्वच्छ और साफ हो जाता है और हम उस प्रभु परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में ही कर लेते हैं। उसके लिए हमें बाहर नहीं भटकना पड़ता, बाहर दर दर नहीं भटकना पड़ता, जंगलों में नहीं भटकना पड़ता, कहीं गुफाओं में नहीं जाना पड़ता, बल्कि गुरु महाराज जी उस परम पिता के दर्शन हमारे हृदय में ही, उस ज्योति के दर्शन हमारे हृदय में ही करा देते हैं। सिर्फ जरूरत है अंदर झांकने की। अगर हम अंदर झांकेंगे नहीं, भारी घूमते रहेंगे, भारी भटकते रहेंगे, तो हम उस प्रभु परमात्मा के दर्शन, उस दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि वो दिव्य ज्योति वो हम सब जीवों के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख है, ईसाई है, पारसी है, हर व्यक्ति के हृदय के अंदर उस प्रभु परमात्मा की, उस अल्लाह की जो है कि दिव्य ज्योति हमारे हृदय के अंदर ही समाई हुई है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने हृदय रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण को जो है साफ करें। आप रोज स्नान करते हैं, किस लिए करते हैं? भाई आप कहते हैं कि हम दिन भर घूमते फिरते हैं और हमारे शरीर में जो है गंदगी जमा हो जाती है, इस गंदगी को दूर करने के लिए जो है हम जो है स्नान करते हैं, साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के अपने शरीर को मलते हैं, गंदगी को दूर करते हैं। लेकिन क्या प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने विचार किया है कि शरीर को साफ करने के लिए तो हम खूब साबुन को रगड़ने, अपने शरीर में खूब रगड़ने, इस शरीर को खूब सुंदर बनाने, साफ कर रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया है कि जो मन में जो गंदगी जो जमा हो रही है, समाज में रहते रहते इस समाज की कुरीतियाँ, समाज की बुराइयां जो हमारे हृदय मन के अंदर जो जमा हो रही है, क्या उसको साफ करने के लिए भी कोई साधन अपनाया है? वो नाम रूपी साबुन भी लिया है, जिस नाम रूपी साबुन को रगड़ने से हमारे मन रूपी जो मैल होता है वो मैल जो दूर हो जाता है। जरूरत होती है हमें अपने गुरु महाराज जी की सत्संग रूपी वर्षा की। जब हमें गुरु महाराज जी का सत्संग रूपी हमें जल प्राप्त होता है तो हमारे मन रूपी कपड़े में जो मैल लगी होती है, तो गुरु महाराज जी हमको ऐसी साबुन देते हैं, नाम रूपी साबुन, वो ज्ञान रूपी साबुन देते हैं, जिस साबुन का प्रयोग करने से बाद हमारे मन के जो मैल हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा मन जो है स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है।